लिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पूर्व में लोग स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लोगों ने इसकी ग्रेविटी जान ली है। आप देख रहे हैं लगातार दो रोज क्वारंटाइन में जा रहे हैं। कई लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं उनको वहां के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से अनुरोध किया गया है। और आप देखेंगे जो शुरू में जो रेजिस्टेंस देखने को मिली थी वह अब देखने को नहीं मिल रहा। वही अस्पताल से भागने वाले सवाल पर आईजी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति बनी थी, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए रात रात में उन लोगों को लोकेट किया था और उन लोगों को वापस लाकर अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन इस तरह के चैलेंज आते हैं, हर एक आदमी की अलग मानसिकता होती है, पर धीरे धीरे अनुशासन जो पब्लिक में बढ़ता जा रहा है और लोगों का सहयोगात्मक रवैया हमारी तरफ होता जा रहा है। ये बात इंदौर आईजी विवेक शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। देखिए वो वेरीफाई करेंगे, हम वेरीफाई अपने उस प्रोसेस में हैं, हम वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पर जो उन्होंने एक प्रक्रिया निर्धारित करी है उसके तहत कार्रवाई जारी है। सर, कुछ इलाकों को क्वारंटाइन किया गया है, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला जा रहा है, तो उनके साथ लोग सहयोग नहीं बरत रहे हैं। तो देखिए इनिशियली ये इस तरह की चीज आई थी, अब लोगों ने इसकी जो ग्रेविटी है वो जान ली है। आप देख रहे हैं लगातार लोग रोज क्वारंटाइन में जा रहे हैं, स्वेच्छा से जा रहे हैं, कई लोग स्वेच्छा से जाते हैं, जो नहीं जा रहे हैं उनको वहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से अनुरोध किया गया है। और आप देखेंगे जो शुरू में जो रेजिस्टेंस एक देखने को मिली थी वो अब देखने को नहीं मिल रही है। सर, ये भी शिकायत आ रही जो लोग अस्पतालों में एडमिट किए जा रहे हैं वो वहाँ पर सहयोग नहीं करें, वहाँ से भाग जाते हैं बार बार, क्या ऐसे? देखिए एक परिस्थिति उस दिन आई थी और पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए रात रात में उन लोगों को लोकेट किया था और उन लोगों को वापस अस्पताल में भर्ती कराया था। देखिए इस तरह की चीजें चैलेंजेस आते हैं, हर एक आदमी का अलग मानसिकता होती है, पर धीरे धीरे मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से अनुशासन जो पब्लिक में वो बढ़ता जा रहा है और लोगों का सहयोगात्मक रवैया हमारी तरफ होता जा रहा है।